कौनसी तो भाटिया। यहां से कथा की शुरुआत होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप जरा ध्यान से सुनना कि आप शब्द में फंसे हुए हैं ये मैं जानता हूं। मैं प्रयास करूंगा शत्रु को बाबा रामदेव की कृपा से तुम जल्दी से शब्द के बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारा ये जन्म सफल हो जाएगा। बोलिए अजमल घर अवतार कृष्ण चंद्र देव अलखनाथ सब संतन की जय। आज की आनंद की जय। आनंद करावे उनके माता पिता वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्न कुर में देव सर्व कार्य सुसर्वदा गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे पूजा मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूल सतगुरु कृपा। बहुत अच्छा। बड़े महापुरुष ने ये मोती रूपी जो शब्द बनाकर चले गए इसका हमें बालक क्या पता नहीं कर सकते। हे प्रभु तेरे आदेश के बगैर ये अंदर से शब्द बाहर निकले आई। भाई मेरा ने सच कह दिया कि तन तमूरा मन भाई मीरा कहती है तन तमुरा मन तार अद्भुत बनायो के साथ। अद्भुत का मतलब होता है पंचमाभूतों का ही विश्व बना। अद्भुत अधिभूत आकाश वायु तेज जल अद्भुत बनायो ये साथ। हरि के घर से बजता है ये हरि का है आवाज। आज हमारे विष्णु भगवान के यहाँ जम्मा जागरण जम्मा जागरण के माध्यम से हमारे दूर दूर से यहाँ पर भक्तगण पधारे हुए डोंगर गांव से गोदावरी से शिवपुर तालुका कराड़ कस्बे से लोखंडिया से बड़े दूर दूर से मेहमान भक्त बन बनकर यहाँ पर आए हैं। धन्य भरी भाग बड़ो जहां घर संत पधारे कर सुमरण भव सागर तारे है उनकी मुख की सुनिए वाणी दासों मिटे चौरासी की खानी जा घर हरी कथा नहीं कीर्तन
संत नहीं मेहमान, ता घर जमने दीना डेरा शान पड़े शमशान, जा घर हरी कथा कीर्तन ये सब संत आए मेहमान, ता घर जानी एक पवित्र एक वैकुंठ समान, ता घर जानी जहां घर संत आते हैं मेहमान। वेदों का सार है कि संत मिलन को चाहिए तजते ही ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़ो क्योंकि एक कदम का क्योंकि यज्ञ का महत्व दिया, मगर उसके पीछे ये भी कहा कि संत बड़े परमार्थ शीतल वाक वांग तपत बुझावे और की जब दे दिया, मगर मेरे मित्र हो संत का सानिध्य मिलना चाहिए बाबा बाजियों का नहीं। आप तो संत किसको कहते तो खबर च नहीं क्योंकि आप देखा ही के फंसे हुए हैं। तीन तत्व ध्यान में रखो, ये जगत कहां भरमाया है, एक तो देखने में भरमा गए चौबीसी में चला गया, एक बोलने में भरमा गया बोल क्या रहा है सुन क्या रहा है ये भी चौबीसी में गया, तीसरा तर्क भी तर्क में गया, ये तीनों नरक की ओर गया। कहने का तजुर्बा ये है कि हम देख रहे हैं तो क्या हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये किसी संत की बात फिक्स करो, हम बोल रहे हैं तो क्या कहां से, ये भी कोई महापुरुष की बात जाकर पूछ लो। तर्क वितर्क में है क्या तर्क कर रहे हैं क्या वितर्क कर रहे हैं, जो तर्क वितर्क होता है वो संसार का होता है, हरि का नहीं होता, भक्ति का तर्क वितर्क नहीं होता, ज्ञान का तर्क वितर्क नहीं होता, तर्क वितर्क विभाग में आता है। हम तो इतनी में फंसे हुए हैं निजा धर्म के बाद और कुछ निजा धर्म के बाद और निजा धर्म में इतनी ऊंची बात बताई हजी भाटी ने, शायद आज जमा जागरण हमारे देशमुख भाई के ये मंदिर के माध्यम से आपको पता चलेगा। निर्णय करना आपके हाथ में है, शब्दों का बोलना मेरे पास, अगर आप सही ज्ञानी हो तो शब्द का सही सार निकालो, कि शब्द का जो सार है वही तो शब्द का जो धार है वो शब्द का सार है, वही शब्द का तलवार है, वही धारी तलवार। बोलिए जमाल घर होता बढ़िया, हम आज निजा धर्म के छत्र छाया में जाएंगे और बाबा राम जी का साक्षात दर्शन करेंगे, आप शब्द की मान्य। राजा उधम सिंह यानी भाटिया गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, यह हरजी भाटी का पिता श्री उधम सिंह भाटिया ये निजा धर्म के बड़े पावन संत होते, बहुत पसंद होते, और बाबा रामदेव तो परम भक्त होते। हरजी भाटी जब दिखते हैं अन उगम सिंह भाटिया जमा जागरण के लिए घरों की यहाँ जाते हैं, जैसे आज अपने देशमुख भाई के यहाँ निमंत्रित किया गया, जिस दिन हम आए थे उस दिन बहुत अच्छी बात निकल गई, आज दूसरा दिन सत्रह